भ्रष्टाचार को लेकर सियासी घमासान जारी है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने धान खरीदी और भंडारण को लेकर 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया और ये भी कहा कि 2 सितंबर तक 410 लाख क्विंटल धान का उठाव नहीं हुआ। पीएम और राज्यपाल से शिकायत की बात तक कर डाली तो वहीं उनके आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तंज कसा। उन्होंने महंत के आरोपों को निराधार बताया और साथ ही कहा कि उन्हें कुछ मुद्दे ढूंढने चाहिए जो काम कर सकें। पहले शासन का ही जो कागजात है वो देख रहा था और जो गणना किया उस हिसाब से लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का भ्रष्टाचार हो गया है और हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ क्योंकि ये किसान से संबंधित है जो छत्तीसगढ़ का बैकबोन है और लापरवाही में कहें कि भ्रष्टाचार के नियत से कहें ये होता रहा है, हो गया। अरे निराधार बातें हैं, कुछ मुद्दे ढूंढना चाहिए जो काम कर सकें। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में एक एक चीज साल नहीं बीता है सरकार का और पूरा करने वाले हैं। जितने आपके काले चिट्ठे हैं, आपके लोगों के काले चिट्ठे हैं, उस पर थोड़ी चिंता कर लें। और इसके साथ नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सतना से आ रही खबर के साथ। सतना में नारायण तालाब की मेड़ फूटने की घटना के दूसरे दिन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी निरीक्षण करने पहुंची और इस दौरान कलेक्टर अनुराग वर्मा और अन्य विभाग के अफसर भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान मेड़ फूटने के कारण घरों में तालाब का पानी घुसने से हुए नुकसान और मेड़ फूटने का कारण बस्ती में रहने वाले सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी ने राज्य मंत्री और कलेक्टर को अपनी आप बीती बताई, लेकिन मौके पर मौजूद अफसर उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। कलेक्टर भी भड़क गए, उन्होंने सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी से कहा कि अपनी बात कह ली ना, अब चलो। फिर भी सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी अपने नुकसान का दर्द बयां करता रहा। तब कलेक्टर ने गुस्से में कहा कि इनका घर गलत बना है, इसकी नाप कराओ, इसका घर हटाओ। कलेक्टर के गुस्से का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, सुनिए आप भी। हालांकि जब सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी ने अपने नुकसान का दर्द बयां किया तो कलेक्टर साहब ने गुस्से में कहा कि इनका घर गलत बना हुआ है, नाप करा के इसे हटा दो। शिकायतकर्ता के मकान की नापजोक भी हुई थी लेकिन कोई अतिक्रमण नहीं मिला। कलेक्टर के गुस्से का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नारायण तालाब की मेड़ जेसीबी से मिट्टी हटाने के दौरान फूटी और जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि बरसात का पानी ज्यादा होने की वजह से तालाब की मेड़ फूटी। ये वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है जहां पर कलेक्टर का गुस्सा भी दिखाई दे रहा है और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। सतना का ये मामला बताया जा रहा है। पांडे जी, नाला पूरा ब्लॉक कर दिया आपने, हमने नहीं किया, पानी जब बह के गया, नाला नहीं, वो नाली है श्रीमान, श्रीमान नाली हमें एक फुट नहीं किया, हमारा 30x30x53 है। कौन सा घर है तुम्हारा, कौन सा घर है, करी क्या आप श्रीमान। पांडे जी, नाला पूरा ब्लॉक कर दिया आपने, हमने नहीं किया, पानी जब बह के गया, नाला नहीं, वो नाली है श्रीमान, श्रीमान नाली हमें एक फुट नहीं किया, हमारा 30x30x53 है। कौन सा घर है तुम्हारा, कौन सा घर है, करी क्या आप श्रीमान। पांडे जी, नाला पूरा ब्लॉक कर दिया आपने, हमने नहीं किया, पानी जब बह के गया, नाला नहीं, वो नाली है श्रीमान, श्रीमान नाली हमें एक फुट नहीं किया, हमारा 30x30x53 है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस दौरान कलेक्टर महोदय की ईगो को हर्ट कर दिया सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी ने और कलेक्टर महोदय ने सोचा कि कहीं ना कहीं तो अतिक्रमण किया ही हुआ होगा और उन्होंने एक तुक्का लगाया कि अब इसके घर की नापजोक करो, इसका जो अतिरिक्त हिस्सा है उसे गिरा दो, ढहा दो। हालांकि नापजोक करने के बाद सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पूरी तरह से निर्दोष
साबित हुआ और उसका कोई अतिक्रमण नहीं निकला। हमने नहीं किया। शिवेंद्र बघेल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या अब इस मामले में न्याय मिल पाया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि घटना के 72 घंटे बीत गए हैं, इसके बावजूद भी अभी तक दोषियों को चिन्हित नहीं किया गया है। साथ ही जिस बस्तियों में ये जल प्रलय आया था, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां बह गई थी, बाइकें बह गई थी, लोगों के घरे में 5-5 फीट पानी भर गया था, वो वहां का मलबा तक नहीं हटाया गया है। ग्रामीण खुद अपना मलबा हटा रहे हैं। जहां तक जिम्मेवारी की बात है तो आज अभी तक कोई भी जिम्मेवारी तय नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि आज जो प्रभारी, जो यहाँ की राज्य मंत्री है और नगरीय विकास निकाय मंत्री है, वो समीक्षा बैठक कर रही हैं। हो सकता है कि उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करें। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो शिकायतकर्ता, जिसका तालाब के पास ही मकान है, जिसका मकान 30x53 में बना हुआ है, उसकी नाप जोक करने का आदेश जिला कलेक्टर ने गुस्से में दिया था, उसकी नाप जोक हुई लेकिन कहीं भी अतिक्रमण नहीं मिला। सिर्फ जो नक्शा स्वीकृत था उसके विपरीत थोड़ा सा निर्माण कार्य मिला है। तो ऐसे में जब दोषियों को चिन्हित करना था, जो कृत्रिम प्रलय आई, बाढ़ आई, उसके दोषियों को चिन्हित करना था, उसके बजाय शिकायतकर्ता को धमकाना निश्चित ही एक बड़ा मुद्दा है, जिसको अब कांग्रेस मुद्दा भी बना रही है। जी बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे डिटेल्स लेते रहेंगे आपसे। और बढ़ते आगे, सरोजनी नायडू स्कूल में छात्राओं के प्रदर्शन के मामले का शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने संज्ञान लिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मेरे ध्यान में भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल में बेटियों द्वारा प्रदर्शन का विषय आया है। मैंने अधिकारियों से बात की है, बेटियों की समस्याओं का निराकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम इसकी उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं, जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। प्रदर्शन के वक्त तोड़फोड़ की तस्वीर आप देखिए, गुस्सा और आक्रोश तमाम छात्राओं में। उनका यह कहना है कि क्यों नहीं अब तक कोई कार्रवाई हो रही है, जिसके बाद जो शीशे थे उन्हें तोड़ दिए गए खिड़की के, और इस तरह गुस्सा जाहिर किया गया छात्राओं की तरफ से। अब इस पर शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लिया है।